देखिए आज आ चुके हैं रातीखेड़ा, तो चलिए अब चलते हैं हम खेत की तरफ। और अभी हम देखिए रातीखेड़ा है, यहाँ पर ये सरकारी भवन है, स्कूल और ये आंगनबाड़ी है। और ये ज़्यादा पानी बरस जाने के कारण यहाँ पर उर्दा गीले हो चुके हैं, उनको सुखाने के लिए डाला है। चलिए चलते हैं अभी। मज़ा नहीं आ रहा है, देखिए अभी हम यहाँ पर चल रहे हैं। देखिए गाइस ये हम आए हुए हैं यहाँ पर, खेत की तरफ रास्ता जाता है यहाँ पर देखिए। और यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, देखिए काफ़ी मस्त नज़ारा आता है यहाँ से, फोटो शूट करते हैं लोग यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ और वीडियो को ऐसे ही बरकरार रखते हैं। देखिए चलते हैं हम अभी, रोड तेंगे देखिए। ऋतिक ने यहाँ पर साइकिल चलाना स्टार्ट कर दिया है। और अभी देखिए यहाँ पर दोनों तरफ पेड़ हैं, और ये कुत्ते का हमको डर लग रहा है कहीं ये पीछे ना पड़ जाए, क्योंकि कई बार हमारे साथ पहले भी हो चुका है, कुत्ता पीछे पड़ गया है। पर देखिए जेसीबी का काम चल रहा है, फिर डिप्पू के काटने का काम चल रहा है। यहाँ पर ये काफ़ी छोटा पहाड़ था, इसको काटा जा रहा है। और ये करीब 20 बीघा में धान है यहाँ पर, धान थोड़ी कम हुई थी। काफ़ी ज़्यादा कचरा है खेत में, देखिए यहाँ पर सोविंग भी दिखाई नहीं दे रहा है। और देखिए ये यहाँ पर रहने के लिए जगह है, रात को सोने के लिए। और यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा ही कचरा है, इसको कटवाने में बहुत परेशानी आएगी। तो चलिए और दूसरा खेत दिखाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर उर्दों में बिल्कुल कचरा नहीं है, काफ़ी अच्छे हैं देखिए। और यहाँ पर ये उर्दा है रात को, यहाँ पर हिरण बहुत आती है, बस में नुकसान करती है, इसलिए ये डूब रखी हुई है लाइट कनेक्शन के लिए। चलिए चलते हैं अगली तरफ। यहाँ पर देखिए इसके उर्दे निकाल दिए गए हैं दिया जाए। और यहाँ पर देखिए आपको दूर दूर तक खेत दिख रहे होंगे, ब्राइटनेस बढ़ा दी है। यहाँ पर चारों तरफ खेत ही खेत हैं,